सबसे पहले मैं उन माता पिता को प्रणाम करता हूँ जिनकी वजह से मैं आज इस सृष्टि में आया हूँ। उसके बाद मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने उस शक्ति का रास्ता दिखाया है, जिन्होंने जीने की कला सिखाई है, और फिर जो वो शक्ति है जो अपरंपार है, जो निराकार है, जिसने ये पूरा ब्रह्मांड एक एक जीव चीज़ बनाई है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि वो मुझे सद्बुद्धि दें और मुझे सही राह पर चलाएं। आपने एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी कि आज के समय के जो टीचर हैं वो टीचर अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहे हैं। हर माता पिता के मुंह से ये आप बात सुनते हो या सभी से सुनते हैं कि टीचर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पढ़ रहा है बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो वो क्या टीचर किस लिए टीचर है, कहीं के लिए हम स्कूल में पैसे दे रहे हैं। हम स्कूल में पैसे भी तो इसलिए दे रहे हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े, कुछ सीखे। तो दोस्तों, मैं फिर से आप सभी पेरेंट्स को, माता पिता को प्रणाम करता हूँ और एक बात अपने द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ कि वो आप अच्छे से समझ लेना कि गुरु टीचर जो भी नाम बदल गए हैं वो तो जैसे पहले थे ऐसे ही अब हैं। बस हमारी सोचने की थोड़ी सी शक्ति, हम माता पिताओं की सोचने की थोड़ी शक्ति, जो सोच है, जो विचार है, वो चेंज हो गए हैं। दोस्तों, जब पहले बच्चा स्कूल में जाता था तो हर पिता स्कूल में जाके टीचर से बोल के आता था, गुरुजी से बोल के आता था कि गुरुजी इसको पढ़ाना है, चाहे आप जौन सा रास्ता अपना लेना, मुझे मेरा बेटा पढ़ा हुआ चाहिए, कामयाब चाहिए, अच्छी शिक्षा मतलब उसको मिल जानी चाहिए। मैं बस आपसे यही बोल रहा हूँ, बाकी आप जौन सा तरीका अपनाना, आपको आप अपना लेना। तो टीचर जो पहले गुरु थे, वे गुरु क्या बोलते थे, वो यही तो कहते थे कि भाई आपके पिताजी ने मुझे सारे अधिकार दे दिए हैं, अब आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो बता दो, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं पढ़ाने के। तो बच्चे के अंदर एक थोड़ा सा डर रहता था, और जब तक किसी के पीछे कोई कमान ना हो तो वो आगे बिल्कुल सही चल ही नहीं सकता। ये तो आप सबको पता ही है कि जिस पतंग में डोर नहीं तो वो पतंग कहाँ जाएगी, कोई पता नहीं। तो कंट्रोल हमारे पास होना ज़रूरी है। जिस कहते हैं कि जो व्यक्ति के पीछे कोई कानून नहीं है, जो व्यक्ति के पीछे डंडा नहीं है, जो व्यक्ति के पीछे कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो तो अपनी मर्जी से जो उसे अच्छा लगेगा वही कर लेगा। उसे क्या अच्छा है आगे आने वाले समय में, उसके लिए क्या अच्छा है, उसको नहीं पता है। तो बच्चे को नहीं पता कि ये पढ़ाई मेरे जीवन में कितना काम आने वाली है, इसलिए वो अपनी मर्जी से पढ़ेगा, लेकिन जब कंट्रोल होगा गुरु का तो वो सही से काम करेगा। इसलिए इसी कमी को देखते हुए आज कोई गुरु बच्चे पे कठोर कार्रवाई नहीं करता है, अरे पढ़ता है पढ़ो, नहीं पढ़ता है मत पढ़ो। और इसलिए पहले ज़्यादातर बच्चे गुरु की शिक्षा दी हुई उसको ग्रहण करते थे, चाहे वो पारिवारिक शिक्षा हो, चाहे वो आने वाले समय में उसके कोर्स से संबंधित हो, उनको उसका डर रहता था, वो याद भी करते थे, वो सारे कार्य करते थे। अच्छा, जो बुद्धि होती है ना, जो दिमाग होता है हमारा, वो दो तरह का होता है। एक होता है जो भगवान के द्वारा किसी बच्चों को, मतलब जिन बच्चों को भगवान ने ही अपना दिमाग एक्स्ट्रा दे के भेजा है, तो वो तो अच्छे से पढ़ ही लेते हैं, वो पहले भी पढ़ लेते थे और वो आज भी अच्छे से अपने आप से ही पढ़ लेते हैं, जो बताया जाता है उसको अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अपने आप बार बार करके देखते हैं, वो पहले भी था और आज भी है। लेकिन पहले सभी टीचर एक कंट्रोल के साथ पढ़ाते थे, लेकिन आज के समय में जो टीचर हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और उसकी सबसे बड़ी कमी है हम माता पिता। अगर टीचर ने बच्चे को कोई गलती की, कोई काम नहीं किया, उसकी वजह से उसने उसको चाटा मार दिया, उसको डंडी मार दी और उसने आके घर पे बता दिया, तो उस टीचर जो भी गुरु हैं उन गुरु के प्रति माता पिता की जो सोच है वो चेंज हो जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। अभी एक सोशल मीडिया में अभी एक थोड़ा छोटा सा वीडियो है, वो तो मुझे पता नहीं कौन से आश्रम का है, लेकिन उस आश्रम का एक छोटा सा क्लिप वायरल हो रखा है, और उस वायरल करने वाले ने भी ये नहीं सोचा कि जो तुम वायरल कर रहे हो, जो वो टीचर, जो गुरु वो पढ़ा रहे थे, जिस कंट्रोल से पढ़ा रहे थे, जब उन पर कार्रवाई हो जाएगी आज के बाद, वो पढ़ो या ना पढ़ो उससे क्या फर्क पड़ता है, पास होएगा अगली क्लास में जाएगा बच्चा, नहीं होगा तो फेल हो जाएगा, क्या कंट्रोल की ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसने भी वो वीडियो वायरल करी है उस व्यक्ति के खिलाफ होकर बोल रहा हूँ कि उसने बहुत गलत किया, उस व्यक्ति ने वो जो गुरुजी जो पढ़ा रहे थे, जिस भावना से पढ़ा रहे थे, जिस लिए वो पीट रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि उनके कोई बंटवारे हो रखे हैं, खेत बढ़ रहे हैं इसलिए उनकी लड़ाई हो रखी है, इसलिए उनको पीट रहे हैं वो भाई, वो पढ़ाई पीट तो वो डांट तो वो जो पनिशमेंट है वो तो बच्चे की शिक्षा के लिए ही दे रहे होंगे ना भाई, ये बच्चा कोई गलती करता होगा, बार बार समझाने पर भी ना करता होगा। कोई गुरु ऐसा नहीं है, ना पहले थे ना आज हैं, कि बच्चे को एक बार बोल दिया और उसने गलती कर दी और उसी पे उसको जो है बुरी तरह पीटना शुरू कर देंगे, ना पहले थे ना आज हैं। गुरु पढ़े लिखे होते हैं, उनको एजुकेटेड होते हैं अभी, तो उनको नहीं पता क्या
वो भी तो पढ़ के आए हैं ना भाई। एक दो तीन बार तो आदमी से गलती होती है, कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, समझ लेता है, कोई थोड़ा लेट समझता है, किसी को कंट्रोल करना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, हो सके पीटना भी पड़े, तो उसमें उस गुरु की नहीं गलती है, उन गुरु की गलती नहीं है। मैं नहीं मानता उन गुरु की गलती है, और मैं उन गुरु के लिए अगर मुझे पता भी लग गया तो मैं उनकी सपोर्ट में हूँ। या तो जो बच्चे ऐसा करते हैं कि काम नहीं करते और उनकी पिटाई होती है, उनके माता पिता सोचते हैं कि हम यहाँ पे नहीं, ये गलत है, ये कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई ना करें, क्योंकि आने वाले जो अगले आदमी हैं, बच्चे हैं, जो आने वाले अगले बच्चे हैं, उनकी शिक्षा को तो खराब ना करें। अगर आपको वहाँ पे नहीं पढ़ाना तो अपने बच्चे को निकाल लें, लेकिन आप शिक्षा में दखलअंदाजी ना करें। और ऐसे व्यक्तियों से एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जब नौकरी करते हो ना तो नौकरी में जो तुम्हारा बॉस बोलेगा वही करना पड़ता है, वहाँ पर तुम दखलअंदाजी करोगे तो बाहर निकल जाओगे या नहीं निकल जाओगे। तो अपने बच्चे को भी निकाल लो, लेकिन उस टीचर पर कार्रवाई ना करो, वो पढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। कहते हैं जब मिट्टी को हमें कोई रूप देना होता है तो उसको थपेड़े भी लगाने पड़ते हैं, उसको तोड़ना भी पड़ता है, उसको लट से कूटना भी पड़ता है, तभी वो जाके किसी रूप में आता है बर्तन भी। वो मिट्टी किसी बर्तन के रूप में, किसी चीज़ में रूप में आएगी। तो आप बच्चे को अगर कोई टीचर गुरुजी उसको कोई पनिशमेंट दे रहे हैं तो आप उस पर ऑब्जेक्शन ना करो, आप उस पर कार्रवाई ना करो। और ये जो सोशल मीडिया पे सब जो है बोल रहे हैं ना कि इसको इतना फैलाओ ताकि उसको अकल सिधर जाए, वो उसको जो है मतलब वो पढ़ाना बंद कर दे, तो आप एक गुरु की कमी कर दोगे अगर आपने ऐसा किया, समझे? तो मेरी मान रहे हो तो आप बच्चे को भी पनिशमेंट मिलने दो। जब तक किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को आप कोई रूप देने के लिए आप चुकाई पिटाई समाई नहीं करोगे, नक्काशी नहीं करोगे, तो वो निखरेगा नहीं। एक पत्थर की जब मूर्ति बनती है तो उस पत्थर को कितनी चोट सहनी पड़ती है वो आप उस पत्थर से पूछो, लेकिन जब वो इतनी चोट सहने के बाद एक मूर्ति रूप में आता है तो उसको दुनिया देखती भी है, दुनिया पूजती भी है, समझे? उसकी तारीफ भी करती है दुनिया उस मूर्ति की, चाहे वो किसी की भी हो। तो आप अपने बच्चे को अगर एक मूर्ति रूप में देखना चाहते हो, किसी अच्छी मूर्ति रूप में, तो आप ऐसे टीचरों को जो पनिशमेंट दे रहे हैं बच्चे को पढ़ाई के लिए, उसमें हस्तक्षेप ना करें, उसको ऐसे सोशल मीडिया पर ना फैलाएं। मेरी यही प्रार्थना है आपसे। और अंत में मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, मैं उन गुरु को फिर से प्रणाम करता हूँ जो इस मिट्टी रूप में बच्चे को ठोक पीट के जैसे भी, लेकिन अगर एक अच्छा इंसान बना देते हैं, तो मैं उन गुरु के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। वो कहते हैं कि गुरु की सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही होती है कि अगर उनका एक भी पढ़ाया हुआ बच्चा अच्छे कार्य पर चला गया तो उनकी जो पढ़ाई हुई शिक्षा है वो सफल हो जाती है। और कहते हैं कि अगर उन गुरु के पढ़ाया हुआ कोई भी बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है तो उनकी सारी की हुई मेहनत खराब हो जाती है। तो आप सब साथ दें और आप हर माता पिता ये समझे कि एक मिट्टी को रूप देने के लिए टुकाई पिटाई जरूरी है, इसलिए एक बच्चे को अच्छे संस्कार अच्छी शिक्षा देने के लिए अगर कोई टीचर कोई गुरुजी उसको पनिशमेंट दे रहा है, वो कैसे भी दे रहा है, तो आप उसमें हस्तक्षेप ना करें। हाँ, इतना हस्तक्षेप जरूर कर सकते हैं कि उन गुरुजी से ये बोल देना कि मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए, मुझे मेरे बेटे का कोई नुकसान, मतलब कि जैसे कान पे मार देते हैं तो पर्दा फट जाता है, तो ऐसी कोई एटीट्यूड जाती है, ऐसी कोई ना हो। बाकी आप जैसा आप उचित पनिशमेंट समझा करें, नहीं कार्य कर रहे हैं, लेकिन मुझे मेरा बच्चा संस्कारी भी चाहिए और एजुकेटेड भी चाहिए।